दोस्तों, ये कहानी एक रूम की है जो कि सभी की ख्वाहिशें पूरा करता है। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि लालच बहुत ही बुरी बला है। ये कहानी उसका बिल्कुल सही एग्जांपल है। मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मैट और केट होता है। ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं और इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैट एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है और केट एक ट्रांसलेटर है। इनका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुनसान जगह पर होता है जिसके आसपास कोई चीज़ नहीं होती है। बाद यहाँ पर कहानी एक मज़ेदार मोड़ लेती है। मैट को एक चाबी मिलती है और ये चाबी होती है एक सीक्रेट रूम की। ये दोनों उस रूम को भी ढूंढ लेते हैं और जब उस रूम को खोलते हैं तो रूम बहुत ही डार्क होता है। घर की सभी लाइटें फ्लिकर होना चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ इस पर ये ध्यान नहीं देते हैं और उस रूम को बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन इनके घर की सभी लाइटें फ्लिकर हो रही होती है तो मैट एक इलेक्ट्रिशियन को लेके आता है और उस रूम में ले जाता है। हम देखते हैं कि उस रूम में हर तरफ वायर ही वायर होती है, अलग अलग तरह की वायर होती है। पूरा रूम वायर से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि इस रूम को सिर्फ वायर से बनाया गया है। उनको यहाँ पर एक गोल सा सर्किट भी दिखता है जिसमें कि लाइट जल रही होती है। हैरानी की बात ये होती है कि पूरे घर में लाइट नहीं होती है लेकिन ये सर्किट में लाइट जल रही होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन उनको बोलता है कि वो ये ठीक नहीं कर पाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला काम है। और जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो मैट को बताता है कि ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। इसके पहले जो मालिक यहाँ पर रहा करता था उसको इसी घर में किसी ने मार दिया था। वो बोलता है कि मैं होता तो ये घर कभी नहीं खरीदता। ये सारी बातें सुनकर मैट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है लेकिन वो इसके बारे में केट को कुछ नहीं बताता है। वो नेट पर चेक करता है जिससे कि उसको पता चलता है कि इस घर का नाम हाउस ऑफ ब्लड हुआ करता था। कहाँ पर 1975 में एक कपल मरे हुए पाए गए थे, एक लड़के ने उन्हें मारा था जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई। मतलब कि वो लड़का कहाँ से आया था और उसने इन्हें क्यों मारा ये किसी को अभी तक पता नहीं चला है। बाद मैट उसी रूम में बैठ जाता है और वाइन पीना चालू कर देता है। उसकी वाइन ख़त्म हो जाती है और वो विश करता है कि काश मेरे पास एक और बॉटल होती। तभी दोस्तों जो साइड में लैंप होता है वो फ्लिकर होता है और उसके सामने एक और बॉटल आ जाती है। अब दोस्तों अगली सुबह केट सोकर उठती है और वो देखती है कि घर की सभी लाइटें फ्लिकर हो रही है। वो उस रूम में पहुँच जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी ड्रेसेस होती हैं और पेंटिंग होती है। अब मैट उसे इस रूम की सच्चाई बताता है। वो बताता है कि हमें ये रूम हर वो चीज़ दे सकता है जो कि हमारी विश हो। पहले तो केट उसकी बातें नहीं मानती है और मैट उसे बोलता है कि तुम कोई विश मांगो। वो बोलते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए। मैट उसे बोलता है कि कोई फिजिकल चीज़ मांगो, जॉब नहीं। वो उसके बाद वो विश मांगती है कि मुझे $1 million चाहिए और तभी लाइट फ्लिकर होती है और उसके सामने $1 million आ जाते हैं। अब केट बोलती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये सब बहुत ही अजीब है। लेकिन मैट उसे बोलता है कि हमें मज़ा लेना चाहिए इन सब चीज़ों का, इसमें क्या बुराई है। अब ये लोग उस रूम का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाना चालू कर देते हैं। वो उस रूम से हर चीज़ मांगने लगते हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे महंगी शैम्पेन, बहुत सारे पैसे, महंगी ड्रेसेस, डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी। ये लोग इतने पैसे मांग लेते हैं कि उसकी एक दीवार बना देते हैं दोस्तों। लेकिन केट अब इन सबसे बोर हो जाती है और वो उदास रहने लगती है। मैट उसे फैमिली बढ़ाने के लिए बोलता है कि हमें ट्राई करना चाहिए एक बच्चे के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों केट दो बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया था। तो इस वजह से केट उसकी बात नहीं मानती और दोनों में बहस होना चालू हो जाती है, जिसके बाद मैट बाहर चला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों केट एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लेती है। वो उस रूम से एक बच्चे को मांग लेती है जिसके बाद उसको सच में एक बच्चा मिल जाता है। और जब मैट घर में वापस आता है तो वो बच्चे की आवाज़ सुनता है तो वो केट से पूछता है कि ये किसका बच्चा है। वो बताते कि मैंने शॉर्टकट लिया है, मैंने उस रूम से एक बच्चा मांग लिया। और इस बात से मैट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि हमें सिर्फ चीज़ें मांगनी थी, कोई इंसान नहीं। हमें नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा आगे चलकर, ये बच्चा हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। उसके बाद मैट केट और उस बच्चे को उस रूम में ले जाता है और बोलता है और केट से बोलता है कि उस रूम से बोलो कि ये बच्चा वापस ले ले। लेकिन तभी वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ये दोनों वहीं इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भी कहीं ना कहीं वो बच्चे को चाहते थे तो वो उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। अब इसके बाद मैट इस घर के बारे में और जानकारी पता करने लगता है। उसे पता चलता है कि जो कपल यहाँ पर रहा करते थे उस रूम के कहने पर ही उस लड़के ने उन्हें मारा था। उसके बाद उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था और उस लड़के का नाम जॉन डो होता है। अब मैट डिसाइड करता है कि वो उससे मिलने जाएगा और वो कुछ पैसे अपने पास रख लेता है। अब वो जॉन से मिलता है। जॉन उसे बोलता है कि तुम लोग बहुत ही मज़े कर रहे होगे उस रूम में, नए नए कपड़े मंगा रहे होगे, क्योंकि मैट को पता होता है कि ये लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं रूम में। वेल, इसके बाद वो ये भी बोलता है कि तुम उस रूम को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से के निकल जाओ। मैट उसे पूछता है कि उसने उन कपल को क्यों मारा, और वो इस सवाल का कुछ और ही जवाब देता है। वो बोलता है कि जिस इंसान को वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो वो चाहता है, उसे खुद अपने आप से खतरा होना चालू हो जाता है। अब मैट यहाँ से निकल जाता है
और रास्ते में पेट्रोल भरवाने जाता है। जब वो अपने जेब को चेक करता है तो वहाँ पर दोस्तों पैसों की जगह मिट्टी होती है। और यहाँ पर इस रूम का एक और राज खुलता है, इस रूम में कोई भी चीज़ अगर इस घर से बाहर जाएगी तो वो मिट्टी बन जाएगी। मतलब सारी चीज़ें सिर्फ घर में ही असली हैं, जैसे हम उनको घर से बाहर ले जाएंगे, घर से बाहर निकालेंगे, वो तुरंत मिट्टी में बदल जाएंगी। उसके बाद मैट भाग कर घर आता है और करने के लिए वो एक पेंटिंग को बाहर रखता है। आधी पेंटिंग बाहर होती है और आधी पेंटिंग अंदर होती है, लेकिन दोस्तों जो बाहर वाली पेंटिंग होती है वो देखते ही देखते पूरी मिट्टी में बदल जाती है। और उसके बाद समझ आ जाता है उसको इस रूम के बारे में। अब वो गुस्से में दीवारों को तोड़ना चालू कर देता है। वो देखना चाहता था कि ये रूम कैसे काम करता है, लेकिन जहाँ भी वो दीवारें तोड़ता था, जिस जगह पर वो तोड़ता था, उसे सिर्फ वायर मिलती थी। पूरे घर में, पूरे बेसमेंट में हर जगह वायर ही वायर होती है, फ्लोर भी वायर का होता है, मतलब ये पूरा घर सिर्फ वायर से बना होता है। अब वो देखता है कि केट उस बच्चे को बाहर ले जाने लगती है ताज़ी हवा खाने के लिए, और मेट उसे मना करता है क्योंकि वो सच्चाई जानता था, लेकिन वो उसे सच्चाई नहीं बताता है। वो उसे सिर्फ मना करता है कि इसे बाहर मत ले जाओ, बाहर खतरा है, लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती है और बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बच्चे का कलर भी चेंज होने लगता है। हम देखते हैं कि उसके जो कपड़े पहने हैं वो भी ख़राब होने लगे हैं। और केट मैट को ज़ोर ज़ोर से बुलाती है और मैट जल्दी से उस बच्चे को घर के अंदर ले जाता है। और हम देखते हैं कि वो बच्चा सिर्फ 10 सेकेंड में 7 साल का हो गया था। मतलब अगर कोई ज़िंदा चीज़ इस घर के बाहर जाएगी तो बहुत ही जल्दी बूढ़ी होकर वो मर जाएगी। और दोस्तों यही हो रहा था उस बच्चे के साथ। यहाँ पर मैट केट को सच्चाई बताता है कि ये रूम एक 3D प्रिंटर की तरह काम करता है जो कि चीज़ें बनाता है, लेकिन एक शर्त पर, हम उस चीज़ को बाहर नहीं ले जा सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केट को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस बच्चे को अपना बच्चा मान चुकी थी। केट को उस बच्चे से एक माँ जैसा लगाव हो चुका था। अब ऐसे ही दोस्तों कई महीने बीत जाते हैं और जब वो बच्चा केट से बाहर जाने के लिए बोलता है तो केट उसे बोलती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो बाहर नहीं जा सकता। इसी बहाने से वो उसे घर में रखती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केट और मैट में दूरियाँ बढ़ना चालू हो जाती, इसलिए दोनों अलग अलग रूम में रहना चालू कर देते हैं। मैट अपना पूरे रूम में ब्लैक और वाइट पेंटिंग करने लगता है। और इधर एक दिन वो बच्चा बाहर की हवा फील करने के लिए अपना हाथ को बाहर निकालता है, जिस पर केट दौड़कर उसके पास आती है और उसका हाथ अंदर कर लेती है। अगले दिन वो सभी खिड़कियां और सभी दरवाज़ों के बाहर लॉक लगा देती है। और एक रात दोस्तों उस बच्चे को उस रूम की सच्चाई पता चल जाती है। वो उस रूम में पहुँच जाता है और पता कर लेता है कि ये रूम कैसे काम करता है और कैसे ये रूम लोगों की ख्वाहिशें पूरा करता है। वो उस रूम के अंदर चला जाता है। और अगले दिन केट और मैट उस रूम में जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। एक्चुअल में दोस्तों उस बच्चे में बहुत सारी पावर होती हैं। वो अपनी इमेजिनेशन से उस रूम को बहुत ही बड़ा बना देता है, एक गार्डन जैसा बना देता है। और वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ने लग जाती है और वो एक स्नो टॉय से खेल रहा होता है। यहाँ पर केट ये सब देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन मैट समझ जाता है कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। ये अपनी पावर का गलत यूज़ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है और हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो वो उसे खींच कर बाहर ले आता है और बोलता है कि दोबारा इस रूम में मत जाना। उसके बाद वो उस रूम को लॉक कर देता है। अब हम देखते हैं कि मैट के पास जॉन डो का कॉल आता है और वो यहाँ पर दोस्तों एक और सच्चाई रिवील करता है। वो उसे बताता है कि उसने उन कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने भी उस रूम से उस बच्चे को मांगा था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो जॉन डो होता है। जॉन मैट से पूछता है कि बताओ मरने से बचने के लिए क्या ज़रूरी है। मैट बोलता है कि मुझे पता नहीं, तुम बताओ क्या होता है। जॉन बोलता है कि ईश्वर को मरना पड़ता है। और यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि जॉन के माँ बाप भी उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। इस रूम का एक सीक्रेट होता है, अगर उस रूम वाले बच्चे को बाहर जाकर ज़िंदा रहना है तो उसे उस आदमी को मारना होगा जिस इंसान ने उसे उस रूम से मांगा है। मतलब कि जॉन की मॉम ने उसे मांगा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए जॉन ने उसे मार दिया और वो अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि अगर इस बच्चे को ज़िंदा रहना है तो केट को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तभी वो बच्चा बाहर जाकर नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। अब ये सभी बातें केट भी सुन लेती है जो कि दूसरे रूम में होती है, और केट गुस्से में बाहर निकल जाती है और रात भर वो कार चलाती रहती है। केट के नहाने पर वो बच्चा मैट से उसके बारे में पूछता है, तो मैट जिस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो बोलता है कि अगर वो बाहर गया तो वो थोड़ी देर में मर जाएगा, जिसके बाद वो बच्चा बाहर जाने लगता है और मैट उसे रोकता है और ज़ोर ज़ोर से डांटता है, उससे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। लेकिन अगले पल ही उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और दोनों फिर एक बाप बेटे की तरह खेलना चालू कर देते हैं। अब जब केट घर पर आती है तो वो दोनों को एक साथ देखती है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अगली रात केट और मैट एक साथ होते हैं, तभी वो बच्चा उन्हें देख लेता है और तभी मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चा केट से प्यार करने लगा था, उसके लिए उसको फीलिंग आ गई थी। और वो बच्चा अगली सुबह घर के बाहर चला जाता है दोस्तों। और जब मेट और केट उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वो बच्चा 18 साल का हो चुका है और वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। इसी बीच केट को वो ज़ख्मी कर देता है। जब केट की आँख खुलती है तो वो मेट को अपने सामने देखती है।
होती है वो बताता है कि उन दोनों की लड़ाई हुई थी जिसमें कि वो बच्चा मारा गया और वो घर के बाहर उसे ले गया जिससे कि वो मिट्टी में बदल गया। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर एक और मेट को देखते हैं जो कि असली मेट होता है, मतलब कि जो केट के साथ मेट है वो एक नकली मेट है, वो वही बच्चा है जिसने कि अपनी शक्ल अपना फेस बदल लिया है। इस रूम को बिल्कुल इसी घर की तरह बना दिया है, एग्जैक्टली सेम कॉपी, मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे थी वही चीज़ वहाँ पे हो गई है। और मैट, उसके बाद हम असली मैट को देखते हैं जो कि उस रूम को तोड़ना चालू कर देता है जिससे कि वो अंदर घुस सके, जिससे कि वो उस रूम के अंदर घुस सके। केट नकली वाले मैट से बोलती कि वो इस घर में अब नहीं रहना चाहती है। अब मैट और हम देखते कि थोड़ी देर बाद मैट उसके साथ ज़बरदस्ती करना चालू कर देता है जिससे कि वो समझ जाती है कि ये नकली मैट है। वो भागती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ पर दोस्तों असली मैट भी इस रूम के अंदर आ चुका है। अब दोनों मैट एक दूसरे के सामने होते हैं इसलिए केट कन्फ्यूज़ हो जाती है कि असली वाला कौन सा है, वो दोनों को पहचान नहीं पाती है। और तभी केट को एक आइडिया आता है, वो ज़ोर से बोलती है इशाने, और वो नकली वाला मैट उसकी तरफ देखने लगता है, मतलब वो समझ जाती है कि नकली है और वो उसे वहीं गिरा कर बेहोश कर देती है। अब दोस्तों वो लोग इस रूम से भागना चालू कर देते हैं, लेकिन उस रूम के अंदर जो बच्चा होता है वो इस रूम को पूरी तरह से बदलना चालू कर देता है, मतलब वो इस पूरे रूम को कंट्रोल कर सकता था, वो हर चीज़ को घुमा सकता था, सीढ़ियों को घुमा सकता था, जिससे कि वो लोग इस रूम से निकल नहीं पाते और इस रूम में फंस जाते हैं। यहाँ पर केट और मैट अपना दिमाग चलाते हैं, ये लोग उस रूम से नकली केट और मैट मांगते हैं जिससे कि वो बच्चा उन्हें असली समझने लगता है और उनको ज़ख्मी कर देता है। लेकिन तभी असली वाले केट और मैट बाहर से भागना चालू कर देते हैं और वो लकीली उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब वो बच्चा उनका पीछा करता है और मेट उसे बाहर आने के लिए एक्साइटेड करता है, जिसके बाद वो उस पर कूद पड़ता है और मेट उसे बाहर खींच लेता है और केट अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और हम देखते हैं कि अब देखते ही देखते वो बच्चा बूढ़ा होने लगता है और फिर मिट्टी में बदल जाता है, मतलब कि वो अब जा चुका है। इस चीज़ें देखकर केट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसे अपना असली बच्चा मानती थी। अब उसके बाद दोस्तों हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर केट अब प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो खुश नहीं होती है, वो अजीब सा फेस बनाती है, शॉक होती है, जिससे कि हमें लगता है कि उसने फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। और हम एक बार फिर से लाइट को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। तो मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक